ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर किसी भी कमर्शियल वाहन की अगर एंट्री होनी है तो उसे एक RFID टैग जरूरी कर दिया गया है 24 अगस्त से। उसी के बारे में आज हम आपको एक और बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इस ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर देंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि 24 अगस्त को ये शुरू हुआ है RFID टैग का सिस्टम, और पहले ही दिन 6000 लोगों के वहाँ पर चलान किए गए, या ये कहिए कि उनको फाइन लगाया गया क्योंकि उनकी गाड़ियों में RFID टैग नहीं लगे थे। उसके बाद भी कई हज़ार गाड़ियों के ये जो जुर्माना है उनके ऊपर लग चुका है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसके बारे में रखें और ये RFID टैग ज़रूर लगवा लें। अब जो बड़ा बदलाव कर दिया गया है वो ये है कि अब तक क्या था कि आपकी गाड़ी में RFID टैग ज़रूरी था, लेकिन जो पेमेंट होनी थी वहाँ पर वो आप कैश भी कर सकते थे और RFID टैग को रीचार्ज करवा कर भी वो पेमेंट की जा सकती थी। लेकिन हो ये रहा है कि लोग कोई भी उसको रीचार्ज नहीं करवा रहा है। ज़्यादातर जो ट्रक ऑपरेटर वहाँ पर आ रहे हैं वो RFID टैग लगवा रहे हैं, लेकिन जो पेमेंट है वो कैश कर रहे हैं। लेकिन ये कैश वाला जो सिस्टम है वो जल्द ही ख़त्म होने जा रहा है। जी हाँ, 13 सितंबर की रात 12 बजे के बाद जो टोल प्लाजा हैं, जो भी दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ पर जो ECC और जो टोल की फीस है वो आपसे कैश नहीं ली जाएगी। उसका एक ही तरीका बचा है, अब आपको रीचार्ज कराना पड़ेगा RFID टैग जो आपने अपनी गाड़ी पर लगवाया है। अब मुद्दा यहाँ पर ये आ जाता है कि ये रीचार्ज इसको करें कैसे, वो हम आपको आगे बताते हैं। इसको रीचार्ज करने के 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम है MCD टोल, और इसके ज़रिए आप अपना वो जो RFID टैग है उसको रीचार्ज कर सकते हैं। पेमेंट अपने आप जब आपकी गाड़ी वहाँ से गुजरेगी उसमें से कटती रहेगी। दूसरी ऑप्शन इसको रिचार्ज करने की ये है कि आप इनकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है www.ecctagsdmc.com, उसके ऊपर जाकर भी आप इस टैग को रिचार्ज कर सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन, जो आसान ऑप्शन, अगर आपको ऑनलाइन वाला मुश्किल लगता है तो 28 पॉइंट ऐसे निर्धारित कर दिए गए हैं पूरे दिल्ली और आसपास, जहां पर आप RFID टैग भी खरीद सकते हैं अपनी गाड़ी के लिए और उसको रिचार्ज भी करा सकते हैं। सीधा कैश दीजिए और अपने RFID टैग को रिचार्ज करा लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली पैसे आपके जो हैं वो RFID टैग से कटते रहेंगे। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये की है MCD ने कि जो शुरू में अगर हम देखें, आपने अगर हमारी पहली रिपोर्ट देखी हो तो उसमें 13 पॉइंट्स दिए थे जहाँ पर RFID टैग मिलते थे और ये रिचार्ज होते थे। उसके बाद इसको बढ़ाकर 19 कर दिया गया था, 6 पॉइंट और ऐड कर दिए गए थे, अब 9 पॉइंट और ऐड करके टोटल 28 पॉइंट ऑफ सेल बना दिए गए हैं। आप स्क्रीन के ऊपर वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। इसमें तमाम, जो मोटे तौर पर बताऊँ तो सारे टोल प्लाजा हैं जहाँ पर भी एंट्री होती है। उसके बाद 3 ऐसे पॉइंट बना दिए गए हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रक होते हैं। एक तो मानेसर हेरिटेज होटल के पास में मानेसर, वहाँ पर आपको ये टैग मिल जाएंगे और वहीं पर रिचार्ज होगा। और एक ओला का ऑफिस है, ओला कैब वालों का ऑफिस है सेक्टर 18 गुड़गांव में, वहाँ पर भी ये सुविधा उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात ये कि संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में भी, जो साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये वादा है कि वहाँ पर भी एक पॉइंट ऑफ सेल बनाया गया है, वहाँ पर आप अपने RFID टैग अपनी गाड़ी के लिए ले सकते हैं और उन्हें रिचार्ज करा सकते हैं। असल में हो ये रहा था कि RFID टैग तो काफ़ी ज़्यादा अब तक बेचे जा चुके हैं, लग चुके हैं ट्रकों पर, लेकिन कोई भी इनको रिचार्ज नहीं करवा रहा है। अगर मैं आपको डेटा बताऊं अब तक का जो रिलीज़ किया गया उसके मुताबिक 3,60,000 टैग जो हैं वो बेचे गए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 547 टैग को ही रिचार्ज किया गया है। और रिचार्ज 547 हुए और पेमेंट सिर्फ 165 गाड़ियों ने उसके ज़रिए की। तो कहने का मतलब लगभग कोई भी अगर हम कहें तो इसको यूज़ नहीं कर रहा है एज अ रिचार्ज, लेकिन टैग जरूर लगवा लिया। लेकिन 13 सितंबर के बाद, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आपको रिचार्ज कराना भी कंपलसरी है, उसके ज़रिए ही पेमेंट होगी, कैश वहाँ पर नहीं लिया जाएगा। और अगर आप बिना रिचार्ज के आ गए और यहाँ कह लीजिए कि आपने रिचार्ज कराया है लेकिन उसमें पूरे पैसे नहीं हैं, तो भी आपसे कैश तो ले लिया जाएगा लेकिन 5 गुना जुर्माने के साथ। जी हाँ, इसलिए अगर आपको 5 गुना जुर्माना नहीं देना है तो 13 सितंबर से पहले पहले आप RFID टैग भी ज़रूर लगवा लें और इसको रिचार्ज भी करा लें, जो 3 तरीके हमने आपको बताए हैं उसके ज़रिए। और अंत में मैं आपको एक और बहुत ज़रूरी चीज़ बता दूँ, वो ये है कि जब आप RFID टैग खरीदेंगे तब आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आपको जो टोल है वो ट्रिप वाइज देना है, जब जैसे आप आते हैं उसी टाइम कटवाना है, या आप मंथली पास लेना है।
तो इसमें दोनों ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको RFID टैग खरीदते समय ये फाइनल करना पड़ेगा कि आपको मंथली पास लेना है टोल का या जो है आपको ट्रिप वाइज पैसे कटवाने हैं। जो भी एक सिस्टम बन जाएगा फिर उसी हिसाब से चलेगा, बाद में चेंज कराने का झंझट रहेगा। तो आप ये सोच समझ कर अपनी ये ऑप्शन चुनें। अगर आप रेगुलर जाते हैं दिल्ली में तो मंथली पास आपके लिए सस्ता रहेगा, और अगर आप कभी कभी आते हैं तो आप ट्रिप वाइज वाली ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, और फिर भी अगर आपको समाधान नहीं मिलता तो कुछ नंबर हम स्क्रीन के ऊपर दे रहे हैं, उस पर आप कॉल करके इसके बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी और बिना वजह आपको कोई भी जुर्माना वहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ट्रांसपोर्ट टीवी का अगर आपको काम अच्छा लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन, फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज, और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।